नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, L4 L5 रीजन में अगर स्लिप डिस्क हो तो उसके ऑपरेशन में कितना खर्च हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। इसका मेनली 3 से 4 फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एक्सपेंस कितना होगा। सबसे पहले तो ऑपरेशन कौन सी टेक्निक से किया जा रहा है, मतलब कि माइक्रोस्कोप से किया जा रहा है, ओपन कन्वेंशनल जो अप्रोच है जिसमें बड़ा सा एकदम चीरा लगाते हैं उससे किया जा रहा है, या फिर एंडोस्कोप से हो रहा है। अगर ओपन कन्वेंशनल अप्रोच जो बड़ा चीरा लगाते हैं उससे ऑपरेशन किया जा रहा है तो 80,000 से 1,00,000 जितना स्लिप डिस्क के ऑपरेशन का खर्चा हो सकता है। दूसरा, अगर माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है तो उसका एक्सपेंस 15,000 से 20,000 जितना एड हो सकता है। और तीसरा कि अगर लेटेस्ट टेक्निक एंडोस्कोप से ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें 20,000 से 25,000 जितना और खर्चा, मतलब कि 1,50,000 के करीब खर्चा एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी का हो सकता है। दूसरा कि ऑपरेशन जो है वो कौन सी हॉस्पिटल में किया जा रहा है, मतलब कि अगर कोई नर्सिंग होम एकदम छोटी सी हॉस्पिटल हो उसमें ऑपरेशन किया जा रहा हो रहा हो तो उसका एक्सपेंस कम हो सकता है। जबकि अगर कोई बड़ी हॉस्पिटल है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल है जहाँ पर सब स्पेशलिटीज है, बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर है, ICU है और सब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है तो उसमें डेफिनेटली एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तीसरा, आपको हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ रहा है, मतलब कि अगर जैसे ओपन अप्रोच से ऑपरेशन किया जा रहा हो जिसमें आपको 2-3 दिन का स्टे है हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली एक्सपेंस इसमें ज़्यादा रहता है। जबकि एंडोस्कोप से ऑपरेशन किया जा रहा हो या माइक्रोस्कोप से जिसमें सिर्फ 1 ही दिन आपको हॉस्पिटल में रहना है तो उसमें एक्सपेंस, मतलब कि खर्च कम होता है। और चौथा और लास्ट कि आपको स्क्रू डालने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मतलब कि L4 L5 स्लिप डिस्क में सिर्फ गादी निकालने की ज़रूरत है या फिर उसमें स्क्रू भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर स्क्रू डालने की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसमें 20,000 से लेकर 60-70,000 जितना एक्सपेंस हो सकता है, क्योंकि स्क्रू अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। अगर इम्पोर्टेड क्वालिटी का टाइटेनियम ग्रेड 1 का इम्प्लांट डाला जाए तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होता है, जबकि कोई रेगुलर सिंपल सा इम्प्लांट यूज़ किया जाए तो उसका एक्सपेंस कम होता है। तो ये 4 फैक्टर है जिसके ऊपर L4 L5 स्लिप डिस्क का ऑपरेशन का एक्सपेंस डिपेंड करता है। धन्यवाद।